नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ पर तमाम प्रकार के जो हैं स्टॉल्स लग रहे हैं। हमारे साथ हैं आर के पटेल जी, जो कि रोस्टेड सर क्या विशेषताएं हैं इन चनों में, इन रोस्टेड? हमारा वैसे रोस्टेड चना तो समझो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। रोस्टेड चना तो कई साल से, समझो कि कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट के बारे में मालूम ना हो। बट हमारा ये है कि हम फ्लेवरिंग रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट। तो क्या है कि रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट तो हर कोई बनाता है, ऐसा नहीं है। पर हमारा ऐसा है कि स्पेशली फ्लेवर रोस्टेड चना पीनट का हमारा फोकस है। तो ये मैं वेरियस फ्लेवर लेके इधर बाहर में आया हूँ। मेरा वैसे बल्क का काम लास्ट 15 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, बट अभी क्या है कि रिटेल में मैं आया हूँ। तो रिटेल में आने, जब मैं आया उसके बाद कोविड लग गया था, तो पिछले 2 साल से मैं रिटेल में इतना हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ मेरी प्रोडक्ट को। तो ये पहला मेरा शो है आहार, जहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट को लेके द एडवर्टाइजिंग पर्पज और सबको अभी मैं फ्री टेस्टिंग भी करवा रहा हूँ एक किट देके, जहाँ मेरा वेरियस फ्लेवर में रोस्टेड चना आता है। और वैसे पीनट में भी मैं अभी समझो 5-6 फ्लेवर पीनट्स में है, रोस्टेड चना में मेरा 8-10 फ्लेवर रोस्टेड चना में है। सर बात करें हम, अभी तक आप जो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, इसको आप अभी तक कहाँ कहाँ इसका आपने विस्तार कर दिया? ऑल इंडिया में समझो बल्क में कई कंपनी को जा रहा है हमारा माल। वैसे बल्क में जैसे समझो हो गया हल्दीराम, हो गया स्विमेक इंडस्ट्रीज, हो गया, वैसे बल्क में कई सारी कंपनी में हमारा हो रहा है। बट रिटेल में अभी हमारा शुरुआत है अभी, हाँ जी, रिटेल में अभी शुरुआत है। और पहला अभी एग्जीबिशन ये है जो आहार, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इधर हम डीलर नेटवर्क के थ्रू जा रहे हैं, अभी इंक्वायरी आना शुरू है। अभी 1 by 1 स्टेट वाइज या तो सिटी वाइज अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग इसे खरीदें, क्या है ऐसा? मेन चीज़ तो ये है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल तरीके से और मेरा खुद का रेसिपी मैं बना के फ्लेवरिंग सीजनिंग कर रहा हूँ। कोई बाहर से आउटसोर्सिंग कोई सीजनिंग का नहीं कर रहा हूँ कि कोई आदमी मुझे सीजनिंग कंप्लीट देखिए। मेन चीज़ है कि पेरी पेरी है कि इंजीरा है, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि बाहर मैं आउटसोर्सिंग करवा के देता हूँ। मैं खुद इन हाउस बनाता हूँ और उसमें फ्लेवरिंग टेस्ट सब सीजनिंग करके चढ़ाता हूँ। और सब भी प्रोडक्ट नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है कि पेरी पेरी मेरी फ्लेवर ये रेड कलर हो गया, हाँ हेल्दी है। तो कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी चीज़ में मेन है। तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि एक बार सबको टेस्ट करना चाहिए मेरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तभी बिना ये फूड आइटम ऐसी है, बिना टेस्ट किए मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं जितनी प्रशंसा करूँ। ऑनलाइन भी पोर्टल है हमारा, अमेजोन में है और हमारा फ्लिपकार्ट में भी है। आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है जी, ब्रांड बहुत हैं, हाँ जी, तो किस तरीके से उसको बीट कर पाएंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कैसे? सर मैं अभी समझो कोई कंपटीशन में नहीं पड़ा हूँ, मैं अभी मेरी प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट सबको मैं अभी टेस्टिंग करवा रहा हूँ। पहला मेरा फंडा ये है, मैं कोई कंपटीशन में, कोई कंपनी से मेरी कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट कैसे करूँ, ऐसा मेरी ट्राई है। कोई कंपटीशन को लेके मैं ऐसा कोई अभी फाइट नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट करें, फिर अपने आप कॉम्पिटिशन की बात तो बाद में है, अपने आप प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा। आटन पीयूष गोयल जी ने कर दिया है और यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि चने जिनको भून के लोग बड़े चाव से खाते हैं, वो एक ऐसा स्टॉल यहाँ पर है अद्भुत। और उनके एमडी जो हैं आर के पटेल जी हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि पटेल जी ये बताइए आपकी, आपने बहुत सा कंपटीशन है मार्केट में, जैसे हरीश पटेल जी, हरीश पटेल जी जिस प्रकार से आजकल लोग खाने के बाद भी चने जो है हाजमा के लिए यूज़ करते हैं, और चने कहीं ना कहीं आटे में भी यूज़ होता है ताकि पाचन शक्ति जो है वो बरकरार रहे, ठीक रहे, इसके लिए आपने रोस्टेड जो है काफ़ी लगा रखे हैं, जिस प्रकार से आपने अलग अलग प्रकार के हैं
बादाम ले लें आप, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आप लोग इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग इस मेले में आकर के इसका प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि एक्चुअली क्या ऐसा अंतर है जो और बेच रहे हैं? एक्चुअली रोस्टेड चना पर्टिकुलरली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो डाइजेशन के लिए बेस्ट बोली जाती है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल तरीके से खेत में ये चना पैदावारी आती है और उसके बाद किसानों का डायरेक्ट यही चना थोड़ी सी प्रोसेस के बाद हम लोग उसको भून देते हैं। तो भुनना हुआ चना जनरली इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह होता नहीं है। सॉल्ट या हल्दी लगाना ये एक अलग चीज़ हो गई जो लोगों को एक टेस्ट के लिए प्रीफर हो, इसलिए बाकी ये चना जो है 100% स्नैक्स और 100% हेल्थी प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे पोटैटोज या मतलब बहुत से स्नैक्स जो ऐसे हैं जो आटे से बनते हैं या तो पोटैटोज की प्रोडक्ट से बनते हैं, तो उसकी जगह ये स्नैक्स में ये प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि हेल्दी भी है और आगे जाके अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ भी दे सकते हैं। कहते थे ना चने खाओगे तो दांत भी चने जैसे हो जाएंगे, मजबूत एकदम घोड़े जैसे हो जाएंगे। चने की एक ये कहावत है, पुरानी कहावत है, चना मतलब चना खाओगे तो घोड़े जैसे हो जाओगे, मतलब ये एक चीज़ 100% हेल्दी प्रोडक्ट है और इसमें अलग अलग सीजनिंग करके अगर फ्लेवरिंग किया जाए तो इसमें भी काफ़ी फ्लेवर्ड लॉन्च हो सकते हैं, जिसको हमने एक प्रयास किया है और प्रयास करके फर्स्ट टाइम हम लोग अपनी प्रोडक्ट को आहार में लेके आए।